वेलकम टू अक्रम डेरी फार्म चैनल। हमें आज किशनबाग में मोहम्मद शफी हैदराबादी फीड शॉपर और एमएम पहाड़ी की रोड है, चिंतलमेट राजेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें बतलाऊंगा मैं, स्पेशली यहाँ की एक और वीडियो भी आएगी जो गोट फीडर्स के ऊपर रहेगी। फीडर्स भी यहाँ अवेलेबल रहेंगे जैसे ये देख रहे हैं, तो इसका एक सेपरेटली वीडियो बतलाऊंगा मैं। यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे, बड़े बड़े केजेस या अलग मल्टीपल साइज़ के केजेस वगैरह भी यहाँ पर तैयार होते हैं, एक्सेसरीज मिलेंगे यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से शफी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। शफी भाई, आपका एड्रेस एमएम पहाड़ी किशनबाग राजेंद्र नगर रोड, ठीक है, और चिंतलमेट रोड है ना? हाँ, चिंतलमेट किशनबाग है, ठीक है। और अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? काफ़ी सारे आइटम हैं, एक 30 से 40 आइटम। 30 से 40 है, तो क्या क्या चीज़ों से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये हैदराबादी स्टार्टर। अच्छा, हैदराबादी स्टार्टर जी। क्या क्या है इसमें? इसमें जो है बाजरा है, सोयाबीन है, मकई का टुकड़ा है, और जो है घोड़ा जीरा है, सोयाबीन है, जौ है। अच्छा। बाजरा जवारी है, हरी पत्ती भी है। हरी पत्ती भी है। टोटल कितने चीज़ें हैं इसमें? 9 से 10 है। 9 से 10 है। हाँ। और क्या प्राइस में पर केजी दे रहे हैं अभी? खुले में 50 रुपये दे रहे हैं, अगर क्वान्टिटी लेते हैं तो आपको 45 से आता। अच्छा, क्वांटिटी यानी मिनिमम कितना? 25 किलो भी अगर ले रहे हैं तो 45 से दे देंगे, वरना 1 kg अगर सिंगल ले रहे हैं तो 50 रुपये से पर केजी देंगे आप। जी, ठीक है। और क्या है इसके बाद में? इसके बाद में अपने पास जो है चीनी का नया ब्रांड आया है, तो मैंने से चल रहा अपने पास। कौन सा? राइट साइड में जो है जी, इंस्पायर। हाँ जी, इंस्पायर प्रीमियम क्वालिटी चुन्नी है, ठीक है। और वाइट चुन्नी है? वाइट चुन्नी है। क्या प्राइस है इसका? इसका 1400 रुपये बैग है। 1400 रुपये में बैग है, ठीक है। कितने केजी का बैग रहता है? कुछ मेरे कस्टमर है होलसेल में पूछते हैं, तो अगर 10 बैग लेंगे तो होलसेल में भी दे सकते हैं सर। अच्छा, मिनिमम 10 बैग ले रहे तो होलसेल में भी देंगे। अब जैसा कि 1400 रुपये बैग है, अगर 10 बैग लेंगे तो कम करके लगाता हूँ। अच्छा, 14 बैग के लिए कम नहीं होता, एक दो बैग के लिए फिक्स रहेगा 1400। और फिर भी ये ब्रांड के हिसाब से मेरे पास कम है, मेरे पास कम है समझिए। और ये बाजू का है, 1350 रुपये में है। कौन सा वाला? ये बाजू वाला पीले जो पहले है, रोहिणी फीड्स। लेकिन इसके ऊपर बॉयलर फीड लिखा हुआ है ना? हाँ, मगर सिर्फ वो नाम लिखते हो, थैले चेंज करते हैं। अच्छा, थैले अलग है और चुन्नी अलग है, वाइट चुन्नी है, ठीक है। वो क्या प्राइस है? 1350। 1350 में। और क्या क्या है आपके पास? लाल चुन्नी है, चने की चुन्नी है जी। ये पैरेट्स किसके हैं? ये मुर्गी के लिए, खरगोशों के यहाँ से लेके जा रहे हैं। मुर्गी और खरगोशों के लिए, ठीक है। स्टार्टर फीड है ये। क्या प्राइस है? ये 45 रुपीज़ के लिए, बैग में तो कम नहीं आता है जी। और ये थैलों में गेहूँ है, एकदम साफ। क्या प्राइस का है? खुले में 25 है, अपन बैग लिए तो 1000 रुपये में बैग है ये। अच्छा, और 50 किलो गई वो भी जी? 50। और ये क्या है आपके पास? ये राला है जी। ये क्या प्राइस है? ये 45 रुपीज़ के जी है। 45 रुपीज़ के जी, खुले के रेट है सब जी। और लाल चुन्नी? लाल चुन्नी चने की चुन्नी है, चार लाल है, चने की चुन्नी है, इसके अंदर दाना वगैरह रहता मेरे पास, ठीक जी। ये जो है 30 रुपये के जी है, बाग लिए तो कम में आता है, ठीक है। और जवारी? जवारी 32 रुपीज के जी, एकदम साफ है ये जी, क्वालिटी 32 रुपीज के जी है, बैग में कम है। और मकई? मकई का टुकड़ा 38 रुपीज के जी है, मतलब 38 रुपीज पर के जी जी। और डायमंड कट है ना जी? और डायमंड कट। और ये वाला? ये रागी है, मुर्गियों के ऐसे काम में आते हैं, मुर्गों के ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्या प्राइस है ये? 35 रुपीज के जी है। 35 रुपीज पर के जी है। और ये घोड़ा जीरा है जी, 50 रुपीज के जी है मेरे पास। 50 रुपीज के जी है। और खल्ली वगैरह भी है आपके पास? खल्ली है। ये क्या है? ये वाइट चुन्नी है, 30 रुपीज के जी है। 30 रुपीज के जी, एकदम साफ। और भूसा? ये गेहूँ का भूसा है, ये 25 रुपये के जी है। 25 रुपये के जी है। ये हरी पत्ती? हरी पत्ती ये 52 रुपीज़ खुले में है, बैग ले रहे तो 25 kg का बैग रहता तो 50 रुपीज़ से लगा रहा हूँ। 52 रुपीज़ पर केजी दे रहे हैं आप, अगर बैग लिए तो 50 रुपीज़ से पर केजी है, 25 kg का बैग है। और ये बाजरा है, बाजरा कैसा है? 35 है, 35 रुपीज़ पर केजी है। ये खल्ली है, 40 रुपीज़ के जी है। 40 रुपीज़ पर केजी है जी। हाँ, बैग लेंगे तो 1800 रुपये में बैग है इसका। अच्छा, 1800 में बैग दे देंगे। ये लाल चुन्नी है, ये इसका 25 रुपये के जी है, अगर बैग लेंगे तो 1150 में बैग है। अच्छा, 1150 में बैग। इसमें क्या है, कम रहते हैं, कम उतरते रहते हैं, चढ़ते भी रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते, कम ज़्यादा होते रहते, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो प्राइसेस है ये अपडेट बतला रहे हैं आप जी। हाँ,
ठीक है, और भी कुछ है आपके पास इसमें? हाँ, ये ब्लॉक्स वगैरह है, बेल्ट्स है जी, और एक्सेसरीज भी है, ये रस्सियाँ हैं, ये 35 रुपीज़ के जी है, और दूसरे यहाँ है ये 35 रुपीज़ के जी है, ये 30 रुपीज़ के जी, सॉरी मीटर मीटर, मैं वही बोल रहा था केजी के अंदर बहुत बड़ी आ जाएंगी फिर आप मीटर बतला रहे हैं। 35 रुपीज़ पर मीटर मोटी वाली है, और ये वाली 30 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। और ये बड़े जानवर को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ में आई जाएंगी बड़ों को भी, मेंढों को इस्तेमाल हो रही है, झटके मारती इसीलिए मोटी है, ठीक है। और फीडर निपल्स भी है आपके पास, क्या प्राइस का एक है? ये 50 रुपीज़ प्राइस है, 50 रुपीज़ में एक एक पीस जी सर। और ब्लॉक्स? ब्लॉक्स जो है ये 3 ब्लॉक्स है, ये खाली 10 रुपये स्टार्टिंग है, 100 रुपीज़ के जी, 100 रुपीज़ में एक पीस, 100 रुपीज़ में एक है, पर के जी का एक है जी। सल्फर है इसमें, ब्लैक सॉल्ट है और कैल्शियम है, ठीक है। और ये जो रस्सियाँ हैं आपके पास, ये वाले हुक्स? ये हुक्स वाले 120 का एक है, 100 रुपीज़ का एक है। अच्छा, 120 का एक है, 100 का एक है, अलग अलग नमक है, ओरिजिनल नमक है, और इसमें जो है पाउडर भी होना, वो तो मिल जाता है घर में इस्तेमाल करने के वास्ते भी, अगर पाउडर होना है किसी को तो 80 रुपीज़ के जी मिल जाता है पाउडर। अगर ये होना है बोले तो अब तो 70 रुपीज़ के जी है, और ये ब्लैक जो है 60 रुपीज़ के जी है, 60 रुपीज़। हाँ, और मेरे पास ऐसा बड़े नहीं है, ये साइज के रहते हैं पास, बड़े बड़े हैं। अच्छा, हिसाब से रहते हैं पीसेस लाते हैं जी। ये जो है मेंढों का अगर नगर वगैरह आने लगना, वो छह भी जाते रहते हैं, वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है, बिल्कुल। उससे बेहतर दुआ पढ़ के दम कर लेना, लेकिन सही बात है आपकी, कलर के लिए या खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं, दिलावे वगैरह लगे हुए हैं इसमें, आप लोग ले सकते हैं। मुर्गियाँ हैं यहाँ पर बड़े जानवर के भी, और मेंढों के भी मुर्गियाँ हैं आपके पास? हाँ, इसको सिर्फ क्या है, छोटा सा रस्सी खोल के कटिंग कर लेना पड़ता है मेंढों को इस्तेमाल। अच्छा, और खुर कटर भी है आपके पास? ये 330 का है, ये 450 का है, ये 450 का जी, ये अच्छा है, ठीक है। और क्या क्या है ये हुक्स है? एक मिनट मिनट, ये है 25 रुपए में भी है, इसमें जो है 35 रुपए वाला है, 50 रुपए बड़े हुक्स भी है, मोटे भी आपके पास जी। हाँ, और ये छोटे बेल्ट कैट्स के लिए ना जी? हाँ, बिल्लियों के लिए। क्या प्राइस का है ये? ये 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ का है, ये 1 इंच का बेल्ट है और मोटा रहता है, ये डबल बेल्ट का रहता है जी, ये 60 रुपए है, 60 का है, ये 1.25 इंच का है, ये 50 रुपीज़ है। ओके, और बड़ा वाला? बड़ा वाला 120 का है, 120 का, ये वही है सेम। और चेन है, 1 इंच वाला भी, 1 इंच वाला भी आता जी, तो 80 रुपये वाला भी है। अच्छा, चेन? चेन ये 120 की है इसके अंदर, और ये वाली है स्टील की है, ये यहाँ पर ये स्टील में 30 वाले, हाँ सिंगल में है जी, और ये क्लिप भी है ठीक। और ये बिल्लियों के लिए, कैट्स के लिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें तो यही है आपके पास। चलिए नेक्स्ट वीडियो और एक मैं बताऊंगा आप लोगों के पास, जो फीडर के लिए रहेगा चना है, जैसा कि कमरेड का चना भी पूछे फिर लोग, तो वो सुराख वाला चना रहता जी, वो 45 रुपए किलो है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। सोयाबीन 100 रुपए किलो सोयाबीन भी है मेरे पास, और साफ माल रहता सोयाबीन जो साफ है, और महंगा वाला चना भी है 65 रुपीज़ के जी। अच्छा, साफ चना जो घर में भी इस्तेमाल कर सकते जी। चलिए इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा, जैसे अपडेट दिया था मैं आप लोगों को, गोट फीडर्स का भी एक वीडियो आएगा शफी भाई का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।